गर्मियों का मौसम आते ही तमाम तरह की बीमारियां जैसे कि दस्त, लू लगना, पेचिस आदि का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे मौसम में बेल का सेवन इन सभी समस्याओं से आराम दिलाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। बेल मुख्य रूप से भारत में पाया जाने वाला एक पौधा है और आमतौर पर लोग इसका जूस या शरबत के रूप में इसका सेवन करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र पौधा माना गया है और पूजा में बेल के पत्तों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। ज़्यादातर लोगों को बेल के फ़ायदे के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जबकि आयुर्वेद में इसे एक बहुत ही ज़रूरी औषधि माना गया है जो पाचन से जुड़ी बीमारियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। इस फल का हर हिस्सा सेहत के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। बाहर से फल जितना ही कठोर होता है, अंदर से उतना ही मुलायम और गूदेदार होता है। इसके गूदे में मौजूद बीज भी कई बीमारियों के इलाज में फ़ायदा पहुँचाते हैं। दोस्तों, बेल के फल में विटामिन और पोषक तत्वों की भरमार होती है। वहीं बेल में मौजूद टैनिन और पेक्टिन मुख्य रूप से डायरिया और पेचिश के इलाज में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही बेल के फल में विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन और आयरन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं और इसके नियमित सेवन से शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति भी होती रहती है, साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। दोस्तों, यूँ तो बेल के कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो दोस्तों हम इसका सही तरह से प्रयोग नहीं कर पाते हैं या कई लोग तो इसका प्रयोग ही नहीं करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बेल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और आपको इसका सेवन कैसे करना चाहिए और किस परेशानी में करना चाहिए, ये सारी जानकारी डिटेल में देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके और क्या क्या लाभ हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, बेल पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में बहुत ज़्यादा कारगर माना गया है। इसके सेवन से पाचन तंत्र ठीक रहता है, जिससे अपच और कब्ज जैसी समस्याओं में आपको राहत मिलती है। आयुर्वेद में बेल के गुणों का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है और ऐसा बताया गया है कि ये कब्ज के अलावा डायबिटीज़, डायरिया, पेचिस, कान दर्द, स्कर्वी आदि रोगों में भी फायदेमंद होता है। बेल के गूदे के साथ साथ बेल के बीज भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको इसका सेवन करना चाहिए जिससे कि आप इसके लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, बेल को आप कई तरीके से खा सकते हैं। आमतौर पर बेल का रस या बेल के शरबत का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, लेकिन आप इस फल को तोड़कर सीधे भी खा सकते हैं। इसका बाहरी हिस्सा कठोर होता है और उसे आपको तोड़ देना होता है और अंदर के लिसलिसे गूदे में से बीज को निकालकर आपको इसे खाना होता है, या फिर आप इसे रात भर इस गूदे को पानी में भिगोकर रख सकते हैं और अगली सुबह आप इसे खा सकते हैं। कई लोग इसके गूदे को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर इसका सेवन करते हैं, जिसे कि बेलगिरी चूर्ण कहा जाता है। उसके अलावा बेल की पत्तियों का रस भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और कई बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप घर पर ही बेल का मुरब्बा बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। ये स्वाद में मीठा होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। बात करें इसके कुछ और फ़ायदों की तो दोस्तों, डायरिया और पेचिस में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अक्सर खाना ठीक से ना पचने के कारण लूज मोशन और डायरिया जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में बेल का सेवन करने से जल्दी आराम मिलता है और डायरिया अगले 2-3 दिनों में ठीक हो जाता है। अगर आप गंभीर रूप से डायरिया से पीड़ित हैं तो बेल के सेवन के साथ साथ आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह भी ज़रूर लें। डायरिया या पेचिस होने पर आपको आधा चम्मच बेलगिरी चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आपको बार बार शौच जाने की समस्या होती है तब भी दोस्तों आप बेल का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में इस रोग को अजीर्ण नाम दिया गया है। ऐसे लोगों के लिए बेल का सेवन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बेल के सेवन से पेट ठीक से साफ होता है और बार बार शौच जाने की समस्या से आराम मिलता है। दोस्तों, बेल में लैक्सेटिव क्षमताएं होती हैं जो आंतों को भी ठीक तरह से साफ रखती हैं। वहीं इसका फल खाने से या इसका शरबत नियमित रूप से पीने से पेट आपका स्वस्थ भी बना रहता है। अगर आपको बार बार सौंच जाने की समस्या है तो आप 2 चम्मच बेल के गूदे को आधा गिलास पानी में डुबोकर इसका जूस बना लीजिए और दिन में 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। वहीं गर्मियों में दोस्तों, लू लगने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आपको बार बार लू लग जाती है या लू लगने से आपको कई तरह की शारीरिक समस्याएं होती हैं तब भी आपको इसका यानी कि बेल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप बेल के शरबत का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि शरीर को ठंडक पहुंचाता है और शरीर को लू से भी बचाता है। इसके सेवन से दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वहीं धूप में निकलने से पहले आपको 1 गिलास बेल का शरबत पीकर ही निकलना चाहिए।
इसके लिए दोस्तों आप 2 चम्मच बेल के गूदे को आधा गिलास पानी में मिलाकर बेल का जूस बना सकते हैं और इस जूस को दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके कुछ और फ़ायदों की, तो दोस्तों इसका प्रयोग किडनी के लिए, लिवर के लिए और स्कर्वी में भी किया जाता है। किडनी के लिए दोस्तों अगर हम बेल के फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों ये किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। एक रिसर्च में दोस्तों ये बात सामने आई है कि बेल की जड़ों और पत्तियों में डायरेटिक गुण होते हैं जो आपकी यूरिन के उत्पादन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये खासतौर पर वाटर रिटेंशन की समस्या से आराम दिलाने में भी मदद करता है। अब किडनी से संबंधित समस्याओं में दोस्तों आपको 1/2 चम्मच बेल की पत्तियों के चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर सेवन करना है, इससे आपकी किडनी मजबूत होती है। वहीं बात करें लिवर के लिए, तो दोस्तों ये लिवर के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी माना गया है। लिवर से जुड़ी बीमारियां दोस्तों अक्सर तभी होती हैं जब शरीर में टॉक्सिन्स या हानिकारक विषैले पदार्थ बढ़ जाते हैं या किसी तरह का संक्रमण हो जाता है। ऐसे में दोस्तों एक रिसर्च में ये बात निकल कर सामने आई है कि बेल में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, साथ ही इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो लिवर को किसी भी तरह के संक्रमण और चोट से बचाने में मदद करता है। अब इसका सेवन आपको कैसे करना है, तो दोस्तों ताजे बेल के गूदे को निकाल कर रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह आप उसे मैश करके खा सकते हैं। दोस्तों कान का दर्द है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बेल के फल के फ़ायदे सिर्फ पाचन तंत्र को ठीक करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये कान दर्द में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कान में दर्द और कान में तरल पदार्थ का स्त्राव होना दोस्तों एक आम समस्या है। ऐसे में आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि बेल के उपयोग से कान के दर्द, कान बहना और बहरेपन जैसी समस्याओं से आपको आराम मिलता है। हालांकि कई बार कान में दर्द की समस्या किसी और वजह से भी हो सकती है, इसलिए कान से संबंधित इलाज में आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही आप बेल का सेवन करें। इसके लिए दोस्तों आप बिलवादी तेल का प्रयोग कर सकते हैं जो कि एक आयुर्वेदिक तेल है। दोस्तों अभी तक आपने जाना बेल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसे में आपको इसके नुकसान के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। अगर आपको कब्ज़ की समस्या बनी रहती है तो दोस्तों आपको यहाँ पर बेल का प्रयोग करने से बचना चाहिए। वहीं वो लोग जिनको लंबे समय से डायबिटीज़ की समस्या है तो उन्हें भी इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए, और थायराइड के व्यक्तियों को भी, यानी कि जिन्हें थायराइड की समस्या है उन्हें भी बेल का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर ही बेल का प्रयोग करना शुरू करें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा और पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।